पहले जो इस्लामाबाद में डी चौक पर हम लोगों के साथ जो सलूक हुआ, हमारे ऊपर टॉर्चर किया गया, हम पर तशद्दुद किया गया, उसकी मैं आपको हकीकत कुछ बताना चाहती थी कि हम मेरी गाड़ी चेयरमैन साहब जब जा रहे थे उनके साथ इजारे यकजहती के लिए, हम सब साथ जा रहे थे, तो चेयरमैन के साथ ही मेरी गाड़ी थी बिल्कुल, और उसमें शमीमारा पवन भी थी, नसीबा चन्ना थी। आज चूँकि रमज़ानुल मुबारक एंड है और सब अपने अपने गाँव की तरफ कल इजलास ख़त्म हुए तो गए हैं, वरना हमारे साथ और MNS भी बैठते जो उसमें मुतासिर हुए थे, तो उन्होंने हमारी गाड़ी को फौरी तौर पर रोक कर और बैरियर लगा दिया, चेयरमैन साहब की गाड़ी गई, तो हम उतरे और हमने कहा कि हम वॉक करके चले जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था। लेकिन हम पर फौरी तौर पर पुलिस ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, हमें मारना शुरू कर दिया, तशद्दुद करना शुरू कर दिया। और जब हमने अपना इंट्रो कराया कि हम तीनों MNA, हमारे पास ना तो कोई डंडा है, ना ही हमारे पास कोई हथियार है, ना झंडा तक नहीं था, क्योंकि हम तो वॉलेंट्री चेयरमैन साहब के साथ जा रहे थे इजहारे यकजहती के लिए, ना कोई मुजाहरा था, ना कोई डेमोंस्ट्रेशन था कि हमने कोई वायलेट की हो, और सिर्फ मेरी उस वक्त गाड़ी थी क्योंकि उससे पहले ही गाड़ियों को रोक लिया गया था। तो आप यकीन करेंगे कि उस इस्लामाबाद के डी चौक पर हम तीनों MNAs पे तशद्दुद हुआ, और जब हमें बचाने के लिए लोग आए तो उनको फिर वाटर कैनन हमारे ऊपर पानी जिस तरह फेंका गया, हम खवातीन के ऊपर मेन रोड के ऊपर हम पानी के अंदर बिल्कुल तैरते, और फिर उसके ऊपर शेलिंग कर दी। रोज़ा गर्मी शेलिंग, क्या इस ये रियासती दहशत गर्दी नहीं है? और फिर हमने जब उसके लिए और हमारे MNA जो हमें बचाने आए उसमें शाजिया सोबिया थी, उसमें मुसरत मैसर थी, उनको ले जाके गाड़ी में बैठा दिया, मेरे बेटे को मार कर गाड़ी में बैठा दिया, और ना जाने कितने हमारे 25 से ज़ायद वर्कर्स को मार मार के जो तशद्दुद किया उन सड़कों पे लिटा के उन्हें मारा गया। हमारी MNAs ने अपना इंट्रो कराया, हमें 3-4 दफ़ा उन्होंने गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, शमीमारा को, नसीबा चन्ना को जो एज में हम सबसे बड़ी हैं, उम्र रसीदा हैं, उन्हें बदतरीन तशद्दुद उनको पर भी किया गया। तो क्या हम उनसे यही पूछते रहे कि आप हमारा जुर्म क्या है, हमारा कसूर क्या है? लेकिन पुलिस ने जो रियासती दहशतगर्दी की, ये वो हुकूमत है कि जिन्होंने वहाँ पर ना सिर्फ धरने दिए बल्कि पार्लियामेंट पे भी हमला किया, जिन्होंने PTV पे भी हमला किया, जिन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की भी कोशिश की। आज हम जब कानून का एहतराम कर रहे हैं, हम में से किसी ने भी किसी पुलिस को ऊपर हाथ नहीं उठाया, हमें मारा गया, हमें तशद्दुद किया गया, लेकिन हमने कानून को हाथ में लेने की भी कोशिश नहीं की। और जब हमें बंद थानों में ले जाके बंद किया तो ये भी नहीं बता रहे कि किस थाने में कौन है। जब हम जा रहे हैं विंग MNA, हम गए पार्लियामेंटेरियन, हमारे साथ 5 MNA 2 सेनेटर्स मौजूद थे, जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा यहाँ तो है ही नहीं, यानी मिसिंग पर्सन वाला मामला। जब हमने कहा हम धरना देंगे, हमारे लोग यहाँ पर आप पारा थाने आए, जब मैं अंदर गई आधा घंटे के रजिस्ट्रेशन के बाद जब हम रजिस्टर करके अंदर गए तो तहखानों में मेरा बेटा मौजूद था और लोग मौजूद थे। तो ये क्या रियासती दहशतगर्दी नहीं है? ये जो नाअहल हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही घबराहट का शिकार है, ये इस बात को महसूस कर चुके हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के एक इफ्तार डिनर के बाद जो उनकी भड़लाहट है, जिस तरह उनकी टांगें कांप रही हैं, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को इस्लामाबाद बुलाने की कॉल दे दी तो उनके साथ क्या होगा। तो मैं समझता हूँ